चलो ये अच्छी बात है, भले ही आप वीकेंड के वार में अंकित गुप्ता की क्लास लगा रहे हो, उनकी कैप्टेंसी को बोरिंग कह रहे हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप वक्त रहते उनकी तारीफ भी कर रहे हो, उन्हें आप यारों का यार कहकर संबोधित कर रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टैली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोध। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना है RHULBHOJ राहुल भोज, और फेसबुक पे भी इसी नाम से हूँ, बातचीत करते हैं, मिलिए वहाँ पे। यारों का यार तो राहुल भोज है, लेकिन अगर बिग बॉस के घर के अंदर की बात करें तो वो है नन अदर देन अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता ने अपनी कैप्टेंसी के दौरान जो है बहुत सी चीज़ें करी हैं, जिसमें से एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, वो था साजिद खान का कर्ज उतारा, कर्ज बयां किया। सलमान खान जी ने भी दोस्तों वीकेंड के बाद की कुछ अपडेट्स आई हैं, जहां पे उन्होंने अंकित गुप्ता को लेकर ये बात कही है कि अंकित गुप्ता आप यारों के यार निकले। हमें लगा कि अंकित गुप्ता जो है वो प्रियंका चाहर चौधरी के बाद सौंदर्या को चुनेगा रूम ऑफ टू के लिए, जो कि राजा के बहुत ज़्यादा खास होते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ खाना वाना करते हैं और उन्हें जो है नॉमिनेशन से भी कहीं ना कहीं बच जाते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को लग रहा था कि शायद सौंदर्या, जिन्होंने इतना गेम में आपकी हेल्प करी है, वो कहीं ना कहीं होती, लेकिन आप साजिद खान को चूज करते हैं। आप भूले नहीं कि आप दोस्त पहले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अंकित की तारीफ करते हुए सलमान साहब ने ये भी बात बोली कि हमें लग रहा था कि साजिद खान को आप जो है रूम ऑफ सिक्स में ही डालेंगे शिव लोगों के साथ, बट आपने दोस्ती निभाई, आपने अपना विश्वास निभाया, आपने वो काम किया जो कि साजिद ने किया था। साजिद ने आपकी हेल्प करी थी ड्यूरिंग दिस, और अब आपने जो है उनकी हेल्प कर डाली, तो बेसिकली आपको हिसाब चुकता करना आता है अच्छे से। बता दूं आपको दोस्तों, तो अंकित के उस डिसीजन पे काफ़ी लोगों ने बवाल भी किया था, और मैंने भी यही सवाल किया था कि यार सौंदर्या को क्यों नहीं किया सौंदर्या, हालांकि मैंने उस पर ये भी बात बोली थी कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि मुझे तो पूरा याद रहता है। तो मैंने ये भी बोलते कि अंकित ने चलो कहीं ना कहीं अपना कर्ज उतार दिया, क्योंकि अगर बात की जाए सौंदर्या के ना करने की, तो आपको याद होगा तो जब नॉमिनेशन की बात आई थी तो सौंदर्या को भी पावर उसने दी थी, तो ऐसे में ये कहना गलत होता, कहीं ना कहीं जल्दबाजी होती कह सकते हैं। तो अंकित गुप्ता से सलमान साहब इंप्रेस हैं, और जिसे सुनकर प्रियंका को बड़ा प्राउड फील होता है। प्रियंका और अंकित की अच्छी लगती है दोस्ती, प्रियंका जो है काफी ज्यादा अंकित को सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है, देखने में अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो आपको क्या है कहना दोस्तों इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरीके की चटपटी अपडेट्स के लिए देखते रहें टेली खजाना। मैं चलता हूँ, इजाजत दे मुझे, बाय बाय।